भविष्य में जंगल राजा बनने को बेताब ये बच्चा अपने पिता से बोलता है, मैं काली पहाड़ी चाचा स्कार के कहने पर गया था। राजा मुफास बोलता है, तुम्हें मैंने मना किया था क्योंकि तुम आने वाले समय में यहाँ के राजा बनोगे और एक राजा के कई दुश्मन होते हैं। मेरा क्या भरोसा, आज जीवित हूँ कल नहीं रहूंगा। राजा का भाई स्कार पूरा साम्राज्य हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने दुश्मनों से हाथ मिलाया। अगले दिन जंगल में मची भगदड़ के बीच में मुफास अपने सिम्बा को बचाने जाता है और एक पिता का फर्ज निभाता है। वो उसे पहाड़ी पर छोड़ देता है, लेकिन जब खुद वो लगभग चढ़ने ही वाला था, उसका भाई उसे धोखा दे दिया और उसे नीचे गिरा दिया। सिम्बा इससे अनजान था कि उसके पिता को मारने वाला कोई गैर नहीं बल्कि अपना ही है। सिम्बा अपने पिता को जगाने की कोशिश करता है, तभी स्कार वहां आकर सिम्बा को बोलता है, तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने में मारे गए और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये सुनकर परेशान बच्चा वहां से चला जाता है और लकड़बग्घों के हमले से ऊंची पहाड़ी से गिर जाता है। स्कार जंगल में जाकर खुद को नया राजा घोषित करता है और लकड़बग्घों को अपने साथ लाता है। पहाड़ी से गिरकर भी सिम्बा जीवित था और चलते चलते एक सूखी जमीन पर जाकर बेहोश हो जाता है। पुम्बा और एमन उसे बचाते हैं। लास्ट पार्ट के लिए लाइक करना और कमेंट में किंग जरूर लिखना।